नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में बातों बातों में। आज हमारे साथ कोई राजनीतिक हस्ती नहीं बल्कि बिहार के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर आलोक राज साहब इस कार्यक्रम में हैं। स्वागत है साहब आपका बातों बातों में। आलोक राज साहब, अचीवमेंट्स हर प्रोफेशन में होते हैं, हर फील्ड में होते हैं, हर इंडस्ट्री में होते हैं। आमतौर पर जब पुलिस की बात होती है तो कमियों से शुरुआत होती है, क्यों ना अचीवमेंट से शुरुआत करें। आप बहुत लंबे समय से पुलिस सिस्टम में रहे हैं, बिहार में रहे हैं, बिहार पुलिस से जुड़े रहे हैं। आपको क्या लगता है बिहार पुलिस की अगर हम बात करें तो क्या वो बड़े अचीवमेंट्स हैं जिन्होंने बहुत कुछ बदल दिया है? देखिए, आपने बहुत सही कहा कि जब पुलिस की बात होती है तो अक्सर खामियां या पुलिस की जो फेलियर्स हैं उनको उजागर किया जाता है, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि जितने भी इम्पॉर्टेंट केसेस होती हैं, जितने भी सेंसेशनल केसेस होते हैं, उनमें पुलिस विशेष ध्यान रखती है और उसमें पुलिस समय पर अभियुक्तों को पकड़कर चार्जशीट करती है और फिर ट्रायल होता है। बिहार पुलिस के यदि ग्राफ को आप देखें तो वर्ष 2005 से बिहार पुलिस के कार्यशैली में बहुत ही बड़ा परिवर्तन हुआ और उसके बाद से कई इम्पॉर्टेंट केसेस हमने सॉल्व किए और सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि ये रही उस दरमियान की स्पीडी ट्रायल का दौर बिहार में आया। यदि आप नक्सल फ्रंट पे देखें, ऑर्गेनाइज क्राइम के फ्रंट पर देखें और वर्तमान में यदि आप प्रोहिबिशन के कंट्रोल पर देखें तो बिहार पुलिस की यदि 10 सालों की उपलब्धि यदि आप देखेंगे, अध्ययन करेंगे, तो सभी क्षेत्रों में, चाहे वो ऑर्गेनाइज क्राइम हो, संगठित अपराध, या फिर नक्सल चुनौती हो, इन सभी में यदि आंकड़ों के दृष्टिकोण से आप देखेंगे और ऐसे भी परसेप्शन के दृष्टिकोण से देखेंगे तो बिहार पुलिस की उपलब्धि बहुत अच्छी रही है। अक्सर जो जानकार हैं वो एक आरोप लगाते हैं कि एनसीआरबी के आंकड़े तो इसलिए पूरे नहीं होते क्योंकि आप किसी भी आम आदमी से अगर जाके पूछेंगे तो पुलिस स्टेशन में एफआईआर लॉज कराना किसी आम आदमी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होता है, इनफैक्ट एक काम होता है वो उसके लिए जो उसका शायद मौलिक अधिकार है। तो आपको लगता है कितना असर पड़ता है, कितना फर्क पड़ता है ये जो एफआईआर लॉज नहीं हो पाती हमारे सिस्टम में? वो सिर्फ बिहार की बात नहीं करूंगा मैं, वो देश के अन्य राज्यों में भी वो हाल है। क्या एनसीआरबी के आंकड़े प्रैक्टिकली वायबल या फिजिबल या सच्चे हैं? नहीं, एनसीआरबी के आंकड़े बिल्कुल फिजिबल है, सच्चे हैं, और जहां तक एफआईआर रजिस्टर नहीं होने की बात है तो वो बहुत पुरानी बातें थी। अब जब से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हुआ है प्रत्येक मिसिंग केस में भी एफआईआर होता है और यदि आप नंबर ऑफ कॉग्निजेबल केसेस का रजिस्ट्रेशन देखेंगे तो वो हर साल बढ़ रहा है। आप हमारे दर्शकों को अगर बता सकें सर, क्योंकि दर्शकों की एक बहुत बड़ी समस्या होती है पुलिस थाने में एफआईआर लॉज नहीं होती है, तो आप अगर यहाँ पे थोड़ी रोशनी डाल सकें उनके अधिकारों की, उनको जानकारी दे सकें, या अगर नहीं हो रही है तो क्या करें? यदि पुलिस थाना आपकी एफआईआर को नहीं लेता है तो आपके पास विभिन्न माध्यम है एफआईआर दर्ज कराने। आप किसी भी वरीय पदाधिकारी जो उस जिला के एसपी हों, उस रेंज के डीआईजी हों, उस क्षेत्र के आईजी हों, उनके पास आवेदन दे सकते हैं, उस पर आपका एफआईआर हो जाएगा। आप कोर्ट में जाकर सीजीएम के यहाँ पिटीशन दे सकते हैं, फिर सीजीएम के यहाँ से डायरेक्शन जाता है एसपी को या संबंधित थाने को, उस पर एफआईआर हो जाएगा। आप पुलिस मुख्यालय में प्रतिदिन, हम लोग आम पब्लिक से मिलते हैं, जनता से मिलते हैं, आप पुलिस मुख्यालय में आवेदन देते हैं और कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर बन रहा है तो पुलिस मुख्यालय की ओर से संबंधित एसपी या संबंधित थाने को निर्देश दिया जाएगा कि वो एफआईआर दर्ज करें। और शीघ्र ही कई राज्यों ने ई एफआईआर की सुविधा प्रारंभ कर दी है, हमारे राज्य में भी ई एफआईआर की सुविधा बहुत। कब तक उम्मीद कर सकते हैं सर, कब तक ये? मैं कोई टाइम फ्रेम नहीं दे सकता हूँ क्योंकि हमारे यहाँ जो सीसीटीएनएस प्रोजेक्ट है, जो कंप्यूटराइजेशन की जो प्रोजेक्ट अभी है, उसमें अभी टेंडरिंग प्रोसेस में है, वो तो वो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ई एफआईआर की ओर हम बढ़ रहे हैं। पुलिसिंग पे आपको लगता है ये जो सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट्स और जो आम आदमी अवेयर हो गया है क्राइम को लेकर, क्या पुलिस को क्राइम पे दबिश में या क्राइम को काबू पाने में इन सब चीज़ों से कुछ मदद मिली है? क्या आपको लगता है कि नेटवर्क से कुछ बेहतर हुआ है? निश्चित तौर पर। देखिए, पुलिसिंग के लिए, या मैं ये कहूँ कि इन्वेस्टिगेशन के लिए, अनुसंधान के लिए साक्ष्यों की बहुत आवश्यकता होती है और विजुअल साक्ष्य जो होते हैं अहम साक्ष्य होते हैं, कोर्ट भी उसको मानता है। हाँ, कई बार हमें फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से ऐसे विजुअल्स प्राप्त होते हैं जो घटनास्थल के विजुअल्स होते हैं। अभी हम लोगों ने बिहार के सभी थानों को, सभी को हम लोगों ने एंड्रॉयड फ़ोन की सुविधा प्रदान की है। कोई अभियुक्त जैसे पकड़ाता है तुरंत उसका फोटो व्हाट्सएप पे अपलोड हो जाता है जी। तो इस प्रकार से एक तो क्राइम सीन के एविडेंस कलेक्ट होते हैं और दूसरी ओर जो एक्यूज का डेटाबेस है वो भी तैयार करने में सहायता होती है।
जैसे पहले जमाने में पुलिस के लिए फेक कॉल्स एक बहुत बड़ा समस्या, एक बहुत बड़ी समस्या, एक बहुत बड़ी चुनौती थी। आमतौर पे होता था कि वहाँ बॉम्ब है, हुक्स कॉल्स आती थी, फेक कॉल्स आती थी। क्या ये जो इस तरह के व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं, क्योंकि हमें सोशल मीडिया पे ही इस बारे में पता भी लगता है, हमारे पे मीडिया में भी कंप्लेंट्स आती हैं कि कुछ फेक मैसेजेस आमतौर पे इस तरह के फैलने लगते हैं, उनको फिल्टर करना कितनी बड़ी चुनौती है और कैसे करते हैं आप लोग? फेक मैसेजेस आते हैं, आप सही कह रहे हैं। रेशियो देखा जाए, उसका अनुपात देखा जाए तो बहुत कम होता है। बढ़ा चढ़ा कर यदि कोई मैसेज आ रहा है, कोई कॉल आ रहा है, बहुत फ्रेंटिक कोई कॉल आता है, तो प्रायः देखा जाता है कि हो सकता है कि जो विक्टिम है थोड़ा उसको बहुत सेंसिटिव बना रहा हो, पर ऐसी कोई बात होती नहीं है। लेकिन उससे एक फ़ायदा यह होता है कि हम उस चीज़ को वेरीफाई कर पाते हैं। तो वेरीफाई करने से हमें दो फायदा होता है। एक तो ये फ़ायदा होता है कि हम अपना सिस्टम को चेक करते हैं कि हमारा रिस्पॉन्स टाइम क्या है, और दूसरा फ़ायदा ये होता है, दूसरा लाभ ये होता है कि जो पब्लिक है उसको यह कॉन्फिडेंस होता है कि उसके मैसेज पे पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया। जनता को बहुत उम्मीदें होती हैं पुलिस से, और अगर आप अपने पुराने दिनों को याद करें, जब आप पुलिस में नहीं थे, तो जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं, उन एक्सपेक्टेशंस को आप किस तरह से देखते हैं और उनको मीटअप करने के लिए आप एज एन ऑफिसर क्या एफर्ट करते हैं? किसी आम आदमी का पहला इंटरेक्शन ट्रैफिक कॉन्स्टेबल से होता है, सिपाही से होता है, तो इंसान के जहन में पहला प्रश्न ये उठता है कि समाज सुरक्षित है कि नहीं, मैं सुरक्षित हूँ कि नहीं, मेरा परिवार सुरक्षित है, और इसी दृष्टिकोण से इंसान की पुलिस के प्रति अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, और इस अपेक्षा पर खरा उतरना हम लोगों के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है। और विशेष तौर पे जब मैं पटना का रहने वाला हूँ, मैं यहीं पला बढ़ा, लोग ये चाहते हैं कि तुरंत हम एकदम अलादीन के चिराग की तरह वो चिराग को घिसें, जिन प्रकट हो, समस्या का समाधान हो जाए। लेकिन आमतौर पर क्या होता है कि जो विधिक प्रक्रिया है, जो लीगल प्रोसेस है, उसके तहत काम करना पड़ता है, तो उसमें समय लगता है, और वो समय है जो कभी कभी आम आदमी थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है कि भाई पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, तो पुलिस की छवि धूमिल होती है उस समय, थोड़ा सा उस पर जैसे कोई इंपॉर्टेंट केस होता है, वो एक ही दिन में इतना प्रेशर होता है पुलिस पर, तुरंत गिरफ्तार कीजिए, तुरंत चार्जशीट कीजिए, तुरंत ट्रायल कीजिए। तो मेरा ये मानना है कि यदि पुलिस ईमानदारी से काम करे, बिल्कुल वो एविडेंस को बहुत ही वैज्ञानिक तरीकों से संग्रहित कर, उसको केस डायरी में डालकर यदि केस को सही ढंग से ट्रायल कराए, तो निश्चित तौर पे जो कन्विक्शन रेट है वो बढ़ेगा, और जब कन्विक्शन होगा क्रिमिनल्स का, तभी लोगों की जो उम्मीदें हैं वो पूरी होंगी, जो विक्टिम है उसको न्याय मिलेगा, और तभी समाज में पुलिस की छवि और बेहतर। आपने कहा कि आप आम आदमी का, किसी भी आम आदमी का जो पाला पड़ता है वो सबसे पहले शायद एक ट्रैफिक कांस्टेबल से पड़ता है। मैं आपकी पुरानी यादों में जाना चाहूँगा, आपका सबसे पहले पुलिस से जो सामना हुआ वो किस तरह से हुआ, अगर आपको याद हो, क्योंकि आई एम श्योर कहीं ना कहीं जिंदगी में आपने भी पहली बारी पुलिस को इनकाउंटर किया होगा, तो कैसा था, क्या डर था, क्या कोई घबराहट थी? ये बड़ा आपने बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किया, और जब मैं अतीत के पन्नों में झांकता हूँ तो मुझे लगता है कि एज अ स्टूडेंट कॉलेज के दिनों में हम लोग पुलिस से बहुत डरते थे। एक नाम मैं लेना चाहता हूँ, बनवारी बाबू एक ट्रैफिक में डीएसपी हुआ करते थे, कंकड़बाग के ही थे, बड़े स्ट्रिक्ट आदमी थे। कॉलेज गए या सिनेमा गए, मेरा एक दोस्त है उसके पास एक अल्बेटा स्कूटर हुआ करता था, तो वो मैं और मेरा भाई, हम लोग तीनों आमतौर पर ट्रिपल राइडिंग में कॉलेज जाते थे। लेकिन जब हम लोगों को ये मालूम होता था कि चिन्हट और पुल के उस पार बनवारी बाबू खड़े हैं और चेकिंग हो रही है, तो एक आदमी निश्चित तौर पे स्कूटर से उतर जाता था और वो पैदल पूर पार करता था, और उसके बाद जब चेकिंग से गुजर जाता था तब वो स्कूटर पर बैठ। पुलिस के प्रति एक भय था या पुलिस के प्रति एक सम्मान था, और शायद वैसे पदाधिकारी थे जो खड़े होते थे तो हम लोग डरते थे। उस जमाने में एक वाक्य आपको बताना चाहता हूँ, नाइट्स ऑफ मूवी हम लोग जब देखते थे कॉलेज के दिनों में, तो टिकट जरूर अपने पास रखते थे, क्योंकि चेकिंग होती थी कि आप सिनेमा देख के आ रहे हैं या कुछ और काम कर गया। दो जगह पुलिस को सुधार करने की आवश्यकता है मेरे विचार से, जैसे आपने कहा फर्स्ट इंटरेक्शन, ट्रैफिक कांस्टेबल की ट्रेनिंग, ट्रैफिक कांस्टेबल का बिहेवियर, ट्रैफिक कांस्टेबल का परसेप्शन, इस पे बहुत काम करने की आवश्यकता है। थाना में जो हमारे जो मुंशी हैं, सिपाही हैं, जो ऑफिसर हैं, वो किस प्रकार विक्टिम के साथ बिहेव करते हैं, किस प्रकार पीड़ित के साथ उनका व्यवहार होता है, क्योंकि जब पीड़ित थाने में पहुंचता है न्याय के साथ साथ वो एक तरह से अपने ग्रीवांस के लिए सांत्वना की भी उम्मीद रखता है, तो वहाँ एक पुलिस की भूमिका दोहरी हो जाती है। एफआईआर करके या कंप्लेंट रजिस्टर करके न्यायिक प्रक्रिया को भी रोल करना है, दूसरी ओर विक्टिम को सांत्वना भी प्रदान करना है,
अर्थात विक्टिम से उसका व्यवहार दोस्ताना अच्छा, ह्यूमैनिटेरियन जो फेस चाहिए, जरूरत है जिस फेस की, आपको लगता है मेजॉरिटी ऑफ द पुलिस में वो ह्यूमैनिटेरियन फेस बचा है? मैं ये कहूंगा कि अगर नहीं बचा है या कम बचा है तो उस पर कार्य करने की आवश्यकता है, और पुलिस के लिए ह्यूमैनिटेरियन फेस बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए, पुलिसिंग एक ऐसा काम है, पुलिस एक ऐसा प्रोफेशन है कि प्रतिदिन आपके पास नई चुनौती है, प्रतिदिन आपको नए अभियुक्तों की ओर देखना है, नए अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई कर, तो उसमें ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच होना बहुत जरूरी है। और इसके साथ साथ ये बहुत जरूरी है कि पुलिस ऑफिसर या पुलिस कर्मी तनाव मुक्त हो, वो क्रिएटिविटी उसके अंदर हो। उसके अंदर जब तक क्रिएटिविटी नहीं होगी, जब तक उसके अंदर वो पॉजिटिव अप्रोच नहीं होगा, तब तक उसके अंदर ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच जो आपने कहा, मानवता, क्रिएटिविटी, दोनों चीजों का समावेश आवश्यक है। आलोक राज साहब, अक्सर पुलिस रिफॉर्म्स की बात होती है। अब ये पुलिस रिफॉर्म ऐसा टर्म है जिसे कि हम लोग अक्सर पढ़ते रहते हैं, अक्सर लिखते रहते हैं, बट एज ए पुलिस ऑफिसर, एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, आप क्या सोचते हैं पुलिस रिफॉर्म, जो कि एक बहुत ही किताबी टर्म बन के रह गया, क्योंकि कई कमीशन आ गए, कई वो शायद आपके लिए इसमें कोई डिटेल्ड में या कोई टिप्पणी करना पॉसिबल ना हो, बट अगर मैं चंद शब्दों में जानना चाहूँ तो आप क्या मानते हैं सबसे बड़ा पुलिस रिफॉर्म क्या होगा? पुलिस रिफॉर्म्स को धरातल पर लाना है तो ये समझना होगा कि पुलिस फोर्स का 70% जो है वो कॉन्स्टेबलरी है, यानी कॉन्स्टेबल, हेड कॉन्स्टेबल, लोअर रैंक है। इनके लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, इनका जॉब सेटिस्फैक्शन बहुत महत्वपूर्ण, जो शायद अभी सबसे खराब है। हाँ जी, आपने सही कहा। और कोई एक चीज अगर करना है तो सबसे पहले होना चाहिए हमारी जो कॉन्स्टेबलरी है या जो हमारे लोअर रैंक है उनके लिए आवास, बेसिकली उनकी उनकी सुख सुविधा का अगर हम ध्यान रखेंगे, उनके लिए आवास, उनके बच्चों के लिए स्कूल, तो उनका आउटलुक शायद बदल सकता है, चिकित्सा, उनके लिए रिक्रिएशन। अगर हम पब्लिक पुलिस रेशियो की बात करें तो बिहार में इट्स रफली अराउंड 1:1450, करीब एक पुलिस वाला 1450 लोगों की सिक्योरिटी, सुरक्षा या जितने पुलिस के रोल हैं उन सब के लिए है। आपको लगता है सर ये सेटिस्फैक्ट्री? नेशनल एवरेज से हम कम है निश्चित तौर पर, नेशनल एवरेज को पाने की हम प्रयास कर रहे हैं। और आपको जानकारी होगी कि राज्य सरकार ने नए कांस्टेबल्स को रिक्रूट करने की पॉलिसी बनाई है, जिसके तहत हम प्रत्येक वर्ष कांस्टेबल्स को रिक्रूट कर रहे हैं। हमारी ये उम्मीद है कि नेक्स्ट 5 ईयर्स होते होते हम नेशनल एवरेज के पर तो नहीं पहुंचेंगे, पर हम नेशनल एवरेज के करीब पहुंच जाएंगे। सर आरोप लगते रहते हैं कि देश भर में क्राइम सबसे ज्यादा बिहार में है। अगर हम बल्लब राज वाली बात करें तो करीब 1.5 महीना उनको अरेस्ट करने में पुलिस ने लिया। आपको लगता है सर ये जो इस तरह की घटनाएं हैं, इस घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं, और क्या इस तरह की घटनाएं पुलिस की छवि को खराब करती हैं? ये बिल्कुल ही गलत अवधारणा है कि बिहार में अपराध अन्य राज्यों की तुलना में अधिक है। पहली बात, यदि NCRB के डेटा को देखेंगे तो ये गलत होता। नंबर दो, सर राजबल्लभ का अपराध क्या है? राजबल्लभ का अपराध है उसके ऊपर रेप का चार्ज है, तो ये उसका एक व्यक्तिगत तौर पर किया गया अपराध। तो इस ऐसे अपराध को प्रिवेंट करने के लिए सामाजिक स्तर पर चेतना की आवश्यकता है। जहां तक 1.5 महीना की आप बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि जो मैंने उस केस को जो मैंने स्टडी किया, मैं उस समय CID में था, Day 1 से पुलिस की दबिश उसके ऊपर थी, लेकिन स्वाभाविक है कि वो कहीं छुपा हुआ होगा। लेकिन कहीं अगर छुपा हुआ 45 दिन तक हम लोग नहीं ढूंढ पा रहे तो कहीं ना कहीं पुलिस का फेलियर नहीं है सर? नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा कि पुलिस का सक्सेस है, ये भी नहीं कहूंगा 45 दिन बहुत लंबा समय होता है। मैं ये कहना चाहता हूँ आप दिनों की तुलना नहीं देखे, दाऊद इब्राहिम तो सालों से फिरार है, लेकिन अगर हम राजबल्लभ यादव को दाऊद इब्राहिम के बराबर, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं तुलना भी नहीं कर, टाइम फ्रेम के अंतर्गत आप नहीं देखें, आप ये देखें कि क्या 45 दिनों तक पुलिस ने उसको पकड़ने के लिए एफर्ट किया कि नहीं, वो कहां जाकर छुप गया ये कहना बड़ा मुश्किल है। ये अगर आरोप लगता है कि पुलिस को यह मालूम था कि वो कहां छुपा हुआ है तो ये गलत आरोप है। जो न्यायिक प्रक्रिया है, जैसे आप इस चीज को समझिए, अभियुक्त अगर फरार हो गया, एब्सकॉन्ड कर रहा है, तो उसके खिलाफ हमें वारंट लेना, वारंट एक्सक्यूट नहीं हो पाया यानी कि वो गिरफ्तार नहीं हुआ, तो उसके खिलाफ इश्तहार लेते हैं या फिर कुर्की जब्ती लेते हैं। इस प्रक्रिया में भी समय लगता है, तो आम तौर पे इस पूरी प्रक्रिया में 1 महीने का समय लग जाता है। तो Day 1 से मैं ये कहूंगा कि पुलिस अपने कार्य में लगी हुई थी, लेकिन फिर भी आप सही कर रहे हैं कि 45 दिन तक पुलिस को यह सूचना होनी चाहिए थी कि वो कहाँ है। आप लोगों का एक खुफिया तंत्र होता है, आप लोगों की जो एस्पियनेज सिस्टम होती है पुलिस की,
इनफैक्ट हर स्टेट पुलिस पे एक एस्पिनेज सिस्टम होती है, आपके सूत्र होते हैं, आपके खबरी होते हैं, कहीं ना कहीं वो सिस्टम वीक होता जा रहा है सर? क्योंकि पुराने अगर हम पुलिस ऑफिसर से बात करते हैं तो बोलते हैं वो सिस्टम बहुत सटीक हुआ करता था। इन्वेस्टिगेशन ज़्यादा ह्यूमन इंटेलिजेंस पे होता था, आजकल के समय में थोड़ा एक जो हमारे आईओज हैं, अनुसंधानकर्ता हैं, उनकी टेंडेंसी हो गई है कि वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस पे ज़्यादा बिलीव करने लगे हैं, अर्थात सीसीटीवी फुटेज है, सीडीआर है, वो लिसनिंग है, ह्यूमन इंटेलिजेंस का जो कंपोनेंट है वो थोड़ा कम हो गया। एक आमतौर पे पुलिस के ऊपर देखा जाता है, लोग बोलते हैं कि पॉलिटिकल प्रेशर्स होते हैं, मैं इसको कोऑपरेशन नाम देना चाहूँगा, मैं मेरे को लगता है कि शायद पुलिस और पॉलिटिक्स या पुलिस और सरकार में तालमेल बेहतर हो तो काम बेहतर तरह से सुचारू ढंग से किया जा सकता है। आपको क्या लगता है कि ये जो कोऑपरेशन है ये बेहतर होने के लिए हम क्या कर सकते हैं? पहली बात तो ये है कि 27 साल से मैं बिहार में नौकरी कर रहा हूँ, बीच में 7 साल मैं सीआरपीएफ में था, यानी कि 20 साल बिहार में मैंने नौकरी की। मुझे 20 साल में आज तक किसी पॉलिटिशियन ने कोई प्रेशर नहीं दिया है, यह मैं बिल्कुल चैनल पर ओपनली कह रहा हूँ। सर ये तो आप चैनल पे वैसे भी नहीं कहेंगे। नहीं, अगर प्रेशर मैं होगा बता तो भी नहीं, नहीं आप मेरी बात आगे सुन। पॉलिटिकल प्रेशर उस अफसर को मिलता है जो अपनी पोस्टिंग के लिए पॉलिटिशियंस के यहाँ चक्कर काटते हैं। पॉलिटिकल प्रेशर उस अफसर को होता है जो अपने मेरिट पर नहीं, वो पैरवी के बदौलत पोस्टिंग चाहते। यदि ऑफिसर के अंदर मेरिट हो, यदि ऑफिसर लॉ के फ्रेमवर्क में काम करे तो कोई पॉलिटिशियन उस पर प्रेशर नहीं डालता। आदित्य केस की अगर हम बात करें तो 72 घंटे तक पहले वो गया में होने के बावजूद अरेस्ट नहीं हो पाए, जब पार्टी से उनको निष्कासित कर दिया गया मनोरमा देवी को, उसके बाद अचानक से उनके घर में एक बाल मजदूर पाया गया, शराब पाई गई, जिनके घर में आपका पुलिस गार्ड रोज आ रहा जा रहा, क्या वो रोज मॉनिटर नहीं हो रहा था कि उनके घर में बाल श्रमिक है? उनके यहाँ बाल श्रमिक था, उनके यहाँ शराब की बोतल बरामद हुई, तो इसकी जानकारी तो उनके बॉडीगार्ड को जरूर रही होगी यदि उनके घर में आता जाता होगा। तो फिर अचानक से पार्टी ने, मैं यही कहना चाहता हूँ, आप इसको प्रेशर ना समझें। केस होने के बाद एक दिन तो विधि व्यवस्था की पूरी समस्या उत्पन्न हो गई, सारा पुलिस तंत्र उसमें उलझा रहा। इन्वेस्टिगेशन के लिए जो प्रॉपर टाइम होना चाहिए वो टाइम किसी और चीज में चला जाता है, वहां पे प्रॉब्लम हो, किसी के यहाँ जा रहे हो जिसकी समाज में एक हैसियत है या जो समाज में एक प्रतिष्ठित इंसान है, कोई भी हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, ऑफिसर हो, पॉलिटिशियन हो, आप एक बार आकलन करना चाहते हैं कि एविडेंस क्या है। और ये एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो एक्यूज्ड होगा वो अपने घर में थोड़े छुपेगा। तो सर आदित्य के केस में, आदित्य मर्डर केस में रॉकी ने बुद्धू बनाया सर पुलिस को, अपनी ही डेयरी में छुप। आप कह सकते हैं कि ये पुलिस को इसकी सूचना नहीं थी कि ये इसका एक फार्म हाउस भी है, इसका एक डेयरी भी है, और शायद पुलिस वहां नहीं पहुंच सकी, आप ये कह सकते हैं। बिल्कुल, आपका आपका ये बहुत लाजमी सवाल है। आलोकराज साहब, आतंकवाद बिहार के लिए आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ी चुनौती होने वाला है, आपको क्या लगता है कितनी बड़ी चुनौती है ये और पुलिस कितनी तैयार है इसके लिए? न सिर्फ बिहार के लिए बल्कि भारतवर्ष के लिए आतंकवाद एक बहुत ही गंभीर चुनौती है, और इसके लिए हमारे जो दो स्पेशलाइज यूनिट हैं, ATS विशेष तौर पर और STF, ये दोनों मुकम्मल तौर पर तैयार हैं, स्पेशलाइज यूनिट्स हैं, इनके पास विशेष हथियार दिए गए हैं, इनके जवानों को विशेष प्रशिक्षण प्राप्त प्रदान किया गया है, कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत डेवलप्ड है, इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कलेक्ट करने के जो भी इक्विपमेंट होने चाहिए उन सभी संसाधनों से इन यूनिट्स को लैस किया गया है। सर नक्सलवाद भी बिहार के लिए हमेशा से एक बहुत बड़ी चुनौती रहा है, पुलिस की तरफ से आपको क्या लगता है कितनी हद तक हम काबू पा पाए? नक्सलवाद मूल तौर पर यदि देखा जाए तो ये एक लॉ एंड ऑर्डर की समस्या इन प्रिंसिपल नहीं है, नक्सलवाद की समस्या सोशल डेवलपमेंट और सोशल एम्पावरमेंट की समस्या। यदि समाज के जो सबसे डाउन में जो लोग हैं, सबसे निचले स्तर पर हैं, यदि वो लोग समाज के मुख्य धारा में जुड़ते हैं, या यूं कहें पंचायत के माध्यम से यदि वो विकास की धारा में जुड़ते हैं, तो निश्चित तौर पर नक्सलवाद को समाप्त करने में बहुत बड़ी सहायता मिलेगी। शराब नीति जो अब हमारी है वो पुलिस के लिए कितनी बड़ी चुनौती है, क्योंकि सर आपने देखा होगा हम लोगों ने एक विजुअल चलाई, उस पर हमारे व्यूअर्स की फीडबैक आई कि अक्सर अगर आर्म्स कहीं मिलता है तो आर्म्स को सील किया जाता है, लेकिन हमने मनोरमा देवी केस में देखा कि उनके घर को सील कर दिया गया। तो ये नीति कितनी बड़ी चुनौती है और इसमें अभी तक क्लैरिटी है या नहीं है पुलिस के पास? शराबबंदी हमारे राज्य का, हमारे सरकार का संकल्प है और हम सभी इसको पूर्णतः लागू करने के लिए पूरी तरह से डिटर्मिंड हैं, कृत संकल्पित हैं। पुलिस के लिए चुनौती है, लेकिन यदि आप आंकड़ों को देखें
तो पुलिस की उपलब्धियां ही बहुत अच्छी हैं इसमें, और पुलिस काफ़ी काम कर रही है इसमें। अब हमारा फोकस है जो अन्य राज्य जो हमारी सीमाओं पर हैं, जहां शराबबंदी नहीं है, वहां से यदि शराब स्मगल होके आता है तो उस पर हम रोकथाम करें। आपको लगता है कंपैरेटिवली सेंट्रल फोर्सेज में आपको ज़्यादा लिबर्टीज मिलती हैं एज अ पुलिस ऑफिसर टू वर्क? सेंट्रल फोर्सेज के साथ एक एडवांटेज होता है कि वो स्टेट गवर्नमेंट के डिक्टात से थोड़ा अलग होती है। फिर मैं कहूँगा कि ये ऑफिसर पर डिपेंड करता है कि वो कितना पॉलिटिकल प्रेशर लेना चाहता है और क्यों लेना चाहता है। आलोक राज साहब, बहुत कम लोग जानते हैं कि आप बहुत अच्छी गजल भी गाते हैं, तो अगर हमारे दर्शकों के लिए कुछ गजल आप सुना देते हैं। बहुत बढ़िया सर, वाकई मतलब शायद ये वो चेहरा है जो बहुत लोगों ने नहीं देखा और नहीं सुना होगा। थैंक यू सो मच आलोक राज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी मीडिया से बात करने के लिए। आई एम श्योर बहुत सारी बातें आपने कही, कुछ बातें आप शायद दबी जुबान में कह सकें या शायद ना कह सकें, क्योंकि आप वी कैन अंडरस्टैंड कुछ जब आप सरकारी नौकरी में होते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, बट इट वॉज रियली अ प्लेजर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो ये था आज का खास कार्यक्रम बातों बातों में, जिसमें हमारे साथ कोई राजनीतिक हस्ती नहीं बल्कि एक पुलिस ऑफिसर थे, वो पुलिस ऑफिसर जिन्होंने 27 साल पुलिस को दिए और कहीं ना कहीं पुलिस के पीछे ह्यूमैनिटेरियन चेहरे, मानवीय चेहरे की बात करते हैं।